दोस्तों, YouTube पर ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग काम कर भी रहे हैं और काफ़ी सारे नए नए लोग जुड़ भी रहे हैं YouTube पर वीडियोस क्रिएट करने के लिए। लेकिन YouTube पर वीडियोस हमें क्रिएट करने के लिए YouTube की काफ़ी सारी गाइडलाइंस होती हैं, काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं जिनको हमें फॉलो करना, सही से सेटिंग करना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम YouTube की गाइडलाइन को नहीं मानेंगे या फिर उनकी हम सेटिंग को सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो फिर हमारे वीडियोज़ पर इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ किस तरह से एक वीडियो को सही तरह से अपलोड करेंगे जिससे इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका ए टू एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है कि हम वीडियोस अपलोड कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं, उसका कमेंट बॉक्स ऑफ हो जाता है या फिर हमारे वीडियोस में कुछ इस तरह से मेड फॉर किड्स करके आ जाता है तो हम सोचने लगते हैं कि आखिर ये ऑप्शन क्यों आ गया, कैसे आ गया। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से आपको वीडियो अपलोड करना है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अपने YouTube पर यहाँ पर प्लस वाले साइन पर क्लिक करके यहाँ से हम अपलोड वीडियो पर जाते हैं और किसी एक वीडियो को हम अपलोड करते हैं। यहाँ से इसको हम अलाउ कर लेते हैं, देन हम किसी एक वीडियो को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी हमने बहुत सारी वीडियोज क्रिएट किए हैं लेकिन एक वीडियो हम डेमो के लिए यहाँ पर अपलोड करते हैं। इस वीडियो इसको हम यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक टाइटल सेलेक्ट करने के बोल रहा है, तो अगर आप इसे अभी टाइटल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे बाइटी स्टूडियो में जाकर टाइटल देना चाहते हैं इसे भी खाली यहाँ पर छोड़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन हो रहा है, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन भी वहाँ बाइटी स्टूडियो के माध्यम से देना चाहते हैं, क्योंकि बाइटी स्टूडियो में बहुत सारे ऑप्शन हमें ओरिजिनल ऑप्शन यहाँ के पीछे मिलते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं फिल करना है। इसके साथ ही मेरे थर्ड ऑप्शन यहाँ पर विजिबिलिटी का ऑप्शन हो रहा है। साथ ही यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो अभी पब्लिक है, अब यहाँ से पब्लिक नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग यहीं से पब्लिक कर देते हैं तो यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अभी विजिबिलिटी हमें प्राइवेट करना है, क्योंकि हम अपने वीडियो का पूरी तरह से SEO कर लेंगे इसके बाद ही इसे पब्लिक करेंगे तो हमारे वीडियो का जो इम्प्रेशन है काफ़ी ज़्यादा लोगों तक जाएगा और हमारी वीडियो का जो क्लिक थ्रू रेट है वो भी काफ़ी हाई होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप प्लेलिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अन्यथा इसे भी आप बाइटी स्टूडियो के माध्यम से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहीं पर काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं। यहाँ पर यस इट्स मेड फॉर किड्स, इसका मतलब होता है यह वीडियो बच्चों के लिए बनाया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके वीडियो का इम्प्रेशन केवल बच्चों तक जाएगा, यानी कि केवल उन्हीं आईडी को दिखाया जाएगा जो कि वहाँ पर 18 के अंडर। तो अगर आपके वीडियो में बच्चों वाली सामग्री है, यानी छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह की वीडियो बनाए हैं, फिर कोई मतलब इंटरटेनमेंट से रिलेटेड बच्चों के लिए वीडियो बनाया है, तो आप यस इट्स मेड फॉर किड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। कि अगर आप इस वीडियो को बच्चों के लिए नहीं बनाया है, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो है, फिर कोई नॉलेजेबल वीडियो है जो कि ज़्यादातर बच्चे नहीं देखना पसंद करते हैं, तो फिर आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स सेलेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यह 18 प्लस को दिखाई जाएगी, यह वीडियो 18 के अंडर और 18 प्लस सभी को दिखाई देगी, क्योंकि यह वीडियो नॉलेजेबल वीडियो है और यह वीडियो खासकर बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है, तो 18 के अंडर और 18 प्लस सभी को यह वीडियो दिखाई देगी। एज रिस्ट्रिक्शन वाले ऑप्शन यहाँ पर एडवांस में शो हो रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें ऑलरेडी यहाँ पर नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 8, यानी कि यह रिस्ट्रिक्टेड वीडियो नहीं है, यानी कि इसमें कोई एडल्ट कैटेगरी मतलब एडल्ट सामग्री नहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ पर नो सेलेक्टेड होगा। लेकिन अगर इस वीडियो में कोई एडल्ट सामग्री है, इसे आप नहीं चाहते कोई बच्चे देखें, कोई मतलब ऐसा पर्सन देखें जो कि एडल्ट वीडियोस नहीं देखना चाहता है, कुछ ऐसा कंटेंट है, तो आप यस कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में कोई ऐसा सीन नहीं है या फिर ऐसी कोई नॉलेज नहीं है तो इसे नो ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपको अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका काम यहाँ से खत्म हो जाता है।